आज पंकज झा की नर्मदा यात्रा पहुंची है नरसिंहपुर में। बीजेपी का गढ़ है ये इलाका, क्या कहता है ये, यहाँ का मूड देखिए पंकज की नर्मदा यात्रा में। नर्मदा नदी की परिक्रमा कर मध्य प्रदेश का मूड जान रहे पंकज अब तक आपको अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला और जबलपुर का मूड दिखा चुके हैं। आज पंकज झा मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले पहुँचे हैं। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। नर्मदा यात्रा में अब हम आ पहुंचे हैं नरसिंहपुर। नर्मदे हर, नर्मदे हर। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश के कई इलाकों में लोग एक दूसरे का अभिवादन या स्वागत या सत्कार, नमस्कार या प्रणाम से नहीं, बल्कि नर्मदे हर कह के करते हैं। ये समर्पण है, ये निष्ठा है, त्याग है, आस्था है, विश्वास है नर्मदा नदी के प्रति। लोग यहाँ नर्मदा को नदी ही नहीं, माँ मानते हैं। माँ ये एक बहुत बड़ा शब्द है। गंगा के प्रति हमने लोगों की निष्ठा देखी है, आदर भाव देखा है, लेकिन इस तरीके से देश भर में नहीं, दुनिया में किसी नदी को लेकर लोगों के प्रति ये भावना और ये जुड़ाव मैंने कहीं नहीं देखा जो मध्य प्रदेश में माँ नर्मदे को लेकर है। वाकई ये हमारे लिए सोच के परे की बात है जिसे हम अब महसूस कर रहे हैं। नर्मदा का कलकल हरा दिखता पानी और इस पानी पर नाव की सवारी, शत शत प्रणाम मां तुझे। नरसिंहपुर में जिस जगह पंकज झा रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे हैं, उस जगह नर्मदा मैया का आशीर्वाद लेने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। इन दिनों यहाँ पानी कम है, इसलिए नदी में कहीं बच्चे खेलते दिखते हैं तो कहीं कम पानी की वजह से नदी के पत्थर तक दिख जाते हैं। पंकज झा जिस नाव पर सवार हैं, उस नाव को कमलेश चला रहे हैं। पंकज ने नरसिंहपुर में चुनाव की चर्चा कमलेश से ही शुरू की। पहले साफ हुई कि गंदा हुई है? पहले से गंदा हो गई, पहले साफ पानी रहता था। अच्छा जी, तो गंदा क्यों हो रहा है? ये नहर वगैरह बन गई है तो उनका कहा पानी आता है धार में, गर्म नदी में। कौन सा पानी? जी नहरों का। अच्छा, मटीला पानी रहता है, उसके कारण से नर्मदा जी मची रहती है। ये बताइए, नेता में आपको कौन अच्छा लगता है? जी हमको तो मोदी दादा लगते हैं। मोदी? मोदी जी, मोदी को आप मोदी दादा कह रहे हैं, क्यों? मोदी क्यों अच्छे लग रहे हैं? अब जिसने हम लोगों के मकान वगैरह बनवाए, इस कारण से। आपका मकान बना है और गैस में सब मिली है? गैस उसमें मिला है। अच्छा, शिवराज की सरकार कैसी है? ठीक है, राइट है। इस बातचीत के बाद नर्मदा यात्रा की टीम नाव से उतर गई। उसके बाद फिर पंकज झा ने आसपास नजर दौड़ाई और फिर चल दिए कुछ और लोगों से बात करने। नर्मदा किनारे कुछ लोग तंबू के नीचे बैठे थे, घंटी बजाकर पूजा करते एक पंडित भी नजर आ गए। बातचीत की तो पता चला कैलाश चंद्र मिश्रा 20 साल से यहाँ पूजा पाठ कराते हैं। कैलाश कहते हैं कि नर्मदा की सफाई के नाम पर सिर्फ दिखावा किया गया। कब से पूजा पाठ करा रहे हैं आप? हमें करीब 20 वर्ष हो गए। 20 साल से इसी घाट पे है? अच्छा, तो नर्मदा पहले और अब, 10 साल पहले की नर्मदा अब की नर्मदा में कितना फर्क है? बहुत अधिक। मतलब अच्छा हो गई कि गड़बड़ हो गई? गड़बड़ ही है, अच्छी कैसे हो जाए, मतलब गंदी हो गई। गंदी है। अरे तो लोग कह रहे हैं इतना नर्मदा यात्रा हुआ, परिक्रमा कुछ हुआ, कुछ साफ सुथरा सब दिखावा भाव है, सब दिखावा भाव। अरे
यहाँ शिवराज जी भी नर्मदा यात्रा निकाले जो कह रहे दिखावा है। आप पानी को टेस्टिंग कर लो कैसा पाई है। मतदान करते हैं ना, कई चुनाव देखे होंगे आपने, कई लोग बनते बिगड़ते हैं। क्या लग रहा है आपकी बार, मन क्या कह रहा है, माहौल किसका टाइट है, किसका टाइट है? जब बिल्कुल नहीं कह सके, ये तो ऐसे नहीं कह सके कि क्षेत्रीय सब आदमी है, क्षेत्रीय आदमी हमारे पास सब आते हैं, क्षेत्रीय आदमी सब आते हैं। भाई बीजेपी की सरकार ने कुछ कार्य अच्छे करी तो कुछ अधूरे भी छोड़ते हैं। दिखावा तो करो, मनो जमीनी स्तर पर नर्मदा जी के प्रति कोई कार्य दिखाते ही नहीं है, जमीन ही नहीं दिखा रहा। आपने पेड़ पौधा लगाए, लगवाए तो, परंतु लगवाने के बाद आपने भी इनकी व्यवस्था करी नहीं, सब मर गए। शिवराज मामा कैसे हैं? शिवराज मामा राइट है, राइट है, अच्छे नहीं है, राइट है। कैसे हो भाई? एक आदमी 100 आदमों की प्रसन्नता को कारण नहीं बन सके, 90 तो प्रसन्न कर दे, बनो 10 ही तो प्रसन्न नहीं कर सके। आप प्रसन्न हैं? हम तो प्रसन्न है, कोई और नृपति हमें कहानी, हम तो भीख मांग के खा ही रहे हैं, ये से ज्यादा प्रसन्नता का है। मिश्रा जी की बातों से एक बात तो साफ है कि अभी भी वो बीजेपी को लेकर सॉफ्ट नहीं है, लेकिन उनकी बातों से साफ दिखता है कि चुनाव के नजदीक आते आते सॉफ्ट हो जाएंगे। यानी मिश्रा जी जैसे वोटर अंतिम वक्त में मध्य प्रदेश का पलड़ा इधर से उधर कर सकते हैं। वैसे दर्शकों को बता दें कि नरसिंहपुर जिले में विधानसभा की 4 सीटें हैं। 2013 में जिले की सभी 4 सीटें बीजेपी ने जीती थी। एक तरीके से ये इलाका बीजेपी का गढ़ है। शायद इस गढ़ में सेंध लगाने के लिए ही कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पिछले साल श्रद्धा के बहाने सियासत की शुरुआत की थी। नरसिंहपुर के इसी बरमान घाट पर दिग्विजय सिंह ने नर्मदा की परिक्रमा शुरू की थी। बात पिछले साल के दशहरे की है, और फिर 190 दिनों तक पैदल चलने के बाद इसी बरमान घाट पर इसी साल के अप्रैल महीने में उनकी नर्मदा परिक्रमा खत्म हुई। उस दिन यहाँ पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ भी मौजूद थे। दिग्विजय सिंह अब किंग मेकर बनना चाहते हैं, मुख्यमंत्री बनने की रेस से तो बाहर निकल चुके हैं, पर सवाल ये है कि क्या नर्मदा का ये पावन जल दिग्विजय सिंह के राजनीतिक सूखे को सींच पाएगा। सवाल ये भी है कि क्या दिग्विजय की नर्मदा परिक्रमा के बहाने या राहुल की नर्मदा आरती के बहाने कांग्रेस का 15 साल का वनवास मध्य प्रदेश में खत्म हो पाएगा। दिग्विजय का अपना सियासी सूखा खत्म हो पाएगा या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में गुटबाजी की खबरें आ रही हैं, उससे कांग्रेस का नुकसान तय दिखता है। गुरुवार को खबर आई कि राहुल गांधी के सामने टिकट बंटवारे को लेकर दिग्विजय और सिंधिया आपस में भिड़ गए। दोनों राजा की लड़ाई को MP की प्रजा किस तरीके से लेगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ रहे हैं। बरमान घाट से जब हम निकले तो रास्ते में सड़क किनारे कुछ लोग दिखे। हम अपनी गाड़ी रोककर उनके पास पहुंच गए। ये लोग नर्मदा परिक्रमा के लिए निकले हुए हैं और यहाँ विश्राम के दौरान खाना बनाने की तैयारी चल रही है। हेतराम साहू की मां ने मन्नत मांगी थी, जो पूरी हुई तो परिक्रमा करने निकले। हेतराम कहते हैं कि शिवराज को फिर मौका मिलना चाहिए। अच्छा हेतराम जी, एक बात बताइए, क्या कर रहे हैं आप नर्मदा में जो लेट के बोलते हैं, क्यों कर रहे हैं? सर भरते हैं। अच्छा। मैया की बोल रही थी हमने, सर भरते क्यों? माँ ने हमारी पूर्ति कर दी, इच्छा जो हती हमारी पूर्ति कर दी, तब वो कर्जा तो हमें देने पड़ मैया को, वो पटा रहे हैं। तो बड़ा कठिन होगा ये, बहुत कठिन लेट काम के। लेट के, हाँ बहुत कठिन काम है, लेट के करना पड़ता है मैया का, 4-5 दिन लगते हैं। आपका मन किसके साथ है आपकी बार? अब हमारा मन तो भाई जो मतलब काम कर रहे हैं उन्हें मतलब मिलना चाहिए वोट। कौन काम कर रहे हैं अब फिलहाल? तो अब जय शिवराज सिंह कर रहे हैं, उनका भी अच्छा काम है। 15 साल से हैं वो तो, 14 साल से नहीं फिलहाल, मतलब अपन तो जाहे का काम अच्छा कर रहे हैं, सभी मतलब बाल बच्चों में पढ़ा रहे लिखा रहे हैं, राशन पानी गरीबों को सब मकान जी। और वो आग पर बाटी यानी लिट्टी तैयार हो चुकी थी,
चोखा बन गया था और मैया के इन भक्तों के खाने का वक्त हो गया था, लिहाजा हमने बातचीत खत्म की और आगे की ओर निकल गए। बरमान के एक घाट पर हमने गाड़ी रोकी। यहाँ पूजा पाठ के सामान की दुकानें हैं। हमें यहाँ दुकानदार नितिन साहू मिले। नर्मदा किनारे पूजा पाठ का सामान बेचते हैं। नितिन कहते हैं कि शिवराज के राज में नर्मदा की सफाई तो हुई है। शिवराज जी का कामकाज कैसा है? ठीक है। मतलब ठीक चल रहा है। पास मान रहे हैं या फेल मान रहे हैं? पास ही हैं सब। मतलब पास अच्छे नंबर से या ऐसे ही खींच के? अब ये सब अच्छे ही नंबर से हैं। कैसे आप कहते हैं, क्या ऐसा हुआ? नहीं तो अगर वो अच्छे नंबर से पास हुए हैं तो साथ देंगे उनका? देंगे कि बदल देंगे? अब वो तो बाद में पता चलेगा जब चुनाव बिल्कुल करीब आ जाएगा, क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी सही है शिवराज जी, मतलब मामा लोग कहते हैं उनको? मामा लोग कहते हैं तो मामा हैं, वो बने हैं तो कहते हैं लोग। मामा का धर्म निभाया? निभा ही रहे हैं वो। आपको भी लगता है? हाँ लगता तो है। अब मोदी जी अच्छे हैं कि शिवराज जी अच्छे हैं? अब मोदी तो बेस्ट। बेस्ट, उनके टक्कर में कोई नहीं। यही पास में एक पान की दुकान पर हमें दो लोग मिले। दोनों तिवारी जी हैं, लेकिन शिवराज को लेकर दोनों की सोच उल्टी है। कुछ काम धाम हुआ कि नहीं हुआ? भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है बरमान ने, पूरे प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने जो विकास की गंगा बहाई है, उस पर मतलब कर्मचारी से लेकर, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे बिजली के क्षेत्र में हो, गरीबों को जो भला किया है शिवराज जी चौहान ने, वो अन्य पार्टी ये जो कांग्रेस पार्टी उन्हें नहीं किया है। तिवारी जी आप तो कह रहे थे कोई काम नहीं हुआ है। हम इनकी बात से सहमत तो नहीं है, क्योंकि अपने काम नहीं भाए खुद स्वयं आए? अपने काम स्वयं नहीं भाए, हम भाजपा के खुद लोग हैं। हाँ। लेकिन अपने काम खुद नहीं भाए मतलब? ये 5 साल में। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एक बात सिंपल बताइए कि क्या पछता रहे हैं आप साथ देके उनका? हम तो भैया पछता रहे हैं। तो फिर क्या करिएगा आप? जो है कि जहाँ पार हो रखे हम जाएंगे, मतलब बदल देंगे, हम भी बदल दें, कांग्रेस को दे देंगे? कांग्रेस नहीं, हम तो अपने साफ एक्स में जाए हैं। अच्छा तिवारी जी रूठ गए हैं। पान की दुकान पर चल रही इस परिचर्चा में कुछ और लोग भी शामिल हो गए और देखते ही देखते बहस गर्म होने लगी। 2000 जो मतलब 22 तक का लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी का बड़ा है, गरीबों के मकान बनेंगे। इस चर्चा से एक जो तस्वीर साफ हुई है वो ये कि लोग शिवराज से भी खुश हैं और नाराज भी। नाराज वो लोग हैं जिन्हें घर और शौचालय नहीं मिला। अब इस नाराजगी को वोटिंग से पहले बीजेपी कैसे दूर भगाएगी उसे सोचना है। हम अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाने के लिए नरसिंहपुर के गांव में घूम रहे हैं। एक जगह रोड किनारे गुड़ बनाने का काम चल रहा था, हमने गाड़ी रोक दी। पास गए और देखा तो यहाँ बड़ी सी कढ़ाई में गुड़ बनाने का काम हो रहा था। गुड़ की भेली बनकर पैक की जा रही थी। पता चला कि कई किसान मिल में गन्ना देने के बजाय इसी तरह मिल में दे देते हैं ताकि जल्द पैसे का भुगतान हो जाए। यहाँ जिन किसानों से हमने बात की वो बिजली ही नहीं बल्कि कई और समस्याओं से परेशान दिखे। हमने सोचा अब किसानों की समस्या को समझने के लिए क्यों ना गांव की ओर चला जाए, लिहाजा हम गांव की ओर चल दिए। रास्ते में एक जगह सूखी नदी के किनारे कई ट्रक दिखे। हमने गाड़ी रोक दी और पता किया तो मालूम चला कि अवैध खनन का धंधा चल रहा है। अवैध खनन के बारे में बताना भी कम खतरनाक नहीं रहा है। कई बार पत्रकारों पर हमले हुए, अधिकारियों तक को भी मारने की कोशिश की गई। ये जो हो रहा है वो अवैध खनन की एक मिसाल है। और जैसे जैसे हम सिवनी और नरसिंहपुर की तरफ बढ़ते हैं, नर्मदा में अवैध खनन की शिकायतें सामने आती रहती हैं और ऐसा हमने देखा भी। और इस बात को लेकर शिवराज सरकार की काफ़ी आलोचना हुई कि नर्मदा नदी में अवैध खनन की वजह से नदी को काफ़ी नुकसान हुआ है। शिवराज सरकार के लिए अवैध खनन एक बड़ी समस्या है।
सरकार इसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जो तस्वीरें हमने कैमरे में कैद की वो इस कोशिश को झटका देने वाली है। हम यहां से आगे बढ़े तो एक जगह खेत में किसान धान काटने में जुटे थे। कैलाश के साथ हम खेत के पास ही बैठ गए और उनसे बातचीत की। अब की बार चुनाव में किसकी काटेंगे डोर? अरे अब है तो शिवराज मामा की बने हैं डोर, काट देंगे। अब काहे काट है मैंने है? अरे मैंने नहीं काटा, नहीं काटेंगे। काहे काट है मैंने, बिना ये दिए थे बूट। क्या दे रहे हैं? फूल पे। तो शिवराज अच्छे हैं? अब पता नहीं शिवराज अच्छे कौन अच्छे, मान फूल कौन को है, बिना ये दिए थे बूट। फूल को दिए थे? हाँ। देने के बाद कोई पछतावा है? अरे काहे को पछतावा, उम्दा तो कर रहा है, अच्छा कर रहे हैं शिवराज। अरे बिजली दे रहे हैं, खावी दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, उम्र का दे रहे हैं। तो शिवराज जी को आप पास कर रहे हैं? अभी पास हैं ही, सबरी सुविधा दे रहा है। कैलाश शिवराज को पसंद कर रहे हैं, यानी किसानों को लेकर जो नाराजगी की बात हम सुन रहे थे वैसी नाराजगी जमीन पर तो नहीं दिखती। नरसिंहपुर से कैमरामैन प्रेम सिंह और पंकज झा की आज की इस पड़ताल में इतना ही। हम अब अपनी अगली मंजिल की ओर बढ़ चुके हैं। देश के पॉलिटिकल प्राइम टाइम में नरसिंहपुर से इतना ही। आगे सियासत का सेंसेक्स नेहा पंत के साथ जरूर देखिएगा। नर्मदा यात्रा, ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।